नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर सद्भावना सम्मेलन में मौजूद हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। दादा जी हैं, कई विश्वविद्यालयों के हमारे जो हैं वो शेखर विजेंद्र जी हैं। अब आपके स्थान लेने के बाद में राष्ट्रीय गीत के लिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। खड़े ही हैं सारे लोग। राष्ट्रीय गीत आरंभ। संजय जी आ जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात उत्कल हरिजन सेवक संघ के कैंपस में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करके हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत कृतज्ञ हैं और बहुत आह्लादित अपने को महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण हैं, जिन क्षणों को हम जी रहे हैं और शायद हम में से कोई भी कभी भी उसको विस्मृत नहीं कर पाएगा। इस पावन मौके पे हमारे बीच में बहुत सारी विभूतियाँ भी उपस्थित हैं। मैं शिखा सान्याल, जो कि हमारी बंगाल स्टेट की जो सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध करूँगी कि वो आके जो है सभी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और दूसरे भी जो हमारे लोग हैं उनका स्वागत करने की कृपा करें। बच्चे हैं हमारे साथ में। सर्वप्रथम इस संस्था के अध्यक्ष माननीय शंकर कुमार सान्याल जी जो हैं वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके लिए बहुत कृतज्ञता के क्षण हैं। दादा के विशेष प्रयास से जो है ये कार्यक्रम जो है वो आया है, हुआ है। और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी जो हमारे सेक्रेटरी हैं हरिजन सेवक संघ के, संजय राय जी, वो भी साथ में उपस्थित रहें और अन्य लोगों का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे अन्य उपस्थित लोग हैं उनका भी स्वागत करने की कृपा करें। सूत की माला हमारे पास है, जो हमारे सिद्धांतों, हमारे विचारों और हमारे प्रयासों, हमारी आज़ादी का एक प्रतीक है, उससे भी लोगों का स्वागत होगा। हमारे उपाध्यक्ष नरेश यादव जी शाल देकर सम्मानित करेंगे। हमारे हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष द्वय जो हैं श्री लक्ष्मी भाई जी, श्री नरेश यादव जी, दोनों लोग शाल देके जो है वो सम्मानित करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। बेटा शाल लेके जाइए सामने। दादा का सम्मान करिए, दादा का सम्मान करिए। जी
हाँ दादा का सम्मान करिए। जी जी अब महाराज जी का सम्मान, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो देश का गौरव है, जो सेवा और अध्यात्म का प्रतीक है, उनका माल्यार्पण जो है किया जा रहा है। ये बहुत सुंदर क्षण है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। अब पाठक जी का आदरणीय पद्म विभूषण माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी देश का गौरव है, देश को एक दिशा देने वाले हैं, जिन्होंने मानक स्थापित किया है स्वच्छता के नए आयाम देश दुनिया में स्थापित करने के लिए, उनका भी स्वागत हुआ। हम सभी लोगों ने देखा इसको, और अब थोड़ी सी जो है एक कार्यक्रम जो दीप प्रज्वलन का है, जी शेखर विजयन जी जो है आप भी जो है आपका भी स्वागत जो है कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले और उच्च शिक्षा के लिए जो है आपका नाम है। आप सभी से एक मिनट के लिए आपको और कष्ट देना चाहेंगे कि जो दीप प्रज्वलन जो है, शेखर जी सब चीज वहाँ उपस्थित है जो है, हाँ दीप प्रज्वलन संजय जी दीप प्रज्वलन कराइए। श्वेता बहन जो है मंत्रोच्चार के बीच में ये सुंदर अभिक्रम होने दें, बहुत सुंदर है। ईश्वर का आशीर्वाद सच में हमारे साथ में है, इस हमारे इस संस्था को है, हर उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता का स्वागत है जो इस कार्यक्रम में। सर्वधर्म प्रार्थना हम लोग सुन रहे हैं, गांधी का संदेश था दिलों को जोड़ना, देश को जोड़ना, सभी धर्मों को जोड़ना, और एक ऐसा धर्म जो मानवता का उपासक हो। तो हम सभी सर्वोदय सेवक जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हो रही है। सर्वधर्म प्रार्थना पूर्ण हुई। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, ये परिसर आपके पवित्र चरणों से धन्य हुआ। ये वो जगह है जहाँ गांधी जी 180 दिन तक रहे थे, और जो 1932 से 47 तक यहाँ पे आते रहे। यहाँ का जो कण कण है बापू के चरणों से पवित्र है। इसके साथ में जो देश के अन्य नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, M.N. राय साहब हों, मौलाना अबुल कलम आज़ाद जी हों, किसका किसका नाम लें, वो सभी लोगों के चरण जो हैं इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। और इसके बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ पे, वयोवृद्ध लोग आते हैं, गेट की जो चरण धूल जो है वो लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे कभी बापू के चरण पड़े थे। तो इस जगह पे आप आए हैं, इसने सेवा आध्यात्मिक साधना और सेवा के 90 वर्ष पूर्ण किए हैं, और जो है वो ये उन पावन क्षणों का जो है साक्षी रहा है, जो कि जिसने देश में एक बदलाव की बयार लाई, जिसने समता स्थापित की, जिसने लोगों के हृदय में हृदय को जोड़ने का काम किया।
जो स्थान है हरिजन सेवक संघ, मैं जो है सबसे पहले अनुरोध करती हूँ जो संस्था के अध्यक्ष हैं शंकर कुमार सान्याल जी, वो जो है आए और जो है मुख्य अतिथि का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय दादा शंकर कुमार सान्याल जी भी एक व्यक्तित्व हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि केवल जोड़ने का काम करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक भक्तिपूर्ण हृदय है लेकिन एक चिंतनशील मस्तिष्क है, एक ऐसे सर्वोदय कार्यकर्ता, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस परिसर को कायाकल्प करने का काम किया है और जिन्होंने जो है वो इस स्थान को एक जीवित किया है, इस स्थान को पुनर्जीवन दिया है। 90 वर्ष का जीवन किसी भी संस्था का कम नहीं होता, लेकिन उसमें समय समय पर ऐसे लोग आते हैं जो उसको नई दिशा देते हैं। और जो है तो अब मैं दादाजी से, निर्मला देशपांडे जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आया उसने इसको गति दी। इस समय के हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे अध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी हैं, आपसे अनुरोध है कि जो है वो मुख्य अतिथि का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय दादा शंकर कुमार सान्याल जी। नमस्कार, जय जगत। परम पूजनीय महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, मंच में पद्म भूषण, भारत में सुलभ आंदोलन का फाउंडर एंड पाथफाइंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, स्वामी चिदानंद जी प्रेसिडेंट परमार्थ निकेतन, शेखर कुमार शेखर बिजेंद्र चैंसलर सोवियत यूनिवर्सिटी, मेरा दो उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास और श्री नरेश जादव, हमारे सामने ज्योति दीदी पवनार आश्रम से, राही जी गांधी स्मारक निधि, कुमार प्रशांत जी गांधी पीस फाउंडेशन से, बांग्लादेश से नुआखाली गांधी आश्रम का नव कुमार राहा दंडा बुरुआ, देव प्रसाद राय जी, रमेश भाई पालीवाल जी, गोयल जी और सारे साथी, आज बहुत पूर्ण दिन है। आज से 90 साल पहले बापू ने अनशन किया था 1932 के 20 सितंबर से, किसलिए समाज में समरसता के सपनों था। एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइंग टू डिवाइड एंड रूल, सेपरेट इलेक्टोरल के अगेंस्ट में गांधी जी आमरण अनशन किया था। देश के सारे स्टॉलवर्ट्स और नेशनल लीडर्स वेंट टू यारवदा जेल। गांधी जी बोला अंबेडकर जी आए और अंबेडकर जी का साथ मेरा आलोचना का बाद उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि समाज में सबसे नीचे सबसे पीछे जो है पहले उसके उत्थान के लिए समाज के सोकल अपर कास्ट पीपुल विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल टेक द लीड ऑफ द इंटर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल। गांधी जी के इस बात में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और सारे साथी का साथ गांधी जी
जो बोला एक संस्था होना चाहिए, जो संस्था सो कॉल्ड अपर कास्ट विल रन द संस्था फॉर द कॉज ऑफ द सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द पीपल. पहले ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हुआ, गांधी जी इसमें सहमत पोषण नहीं किया. संस्था का नाम दिया होरिजन सेवक संघ. होरिजन मीन्स सन ऑफ द सन ऑफ गॉड. और होरिजन सेवक संघ इसका कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी हिमसेल्फ रोट और अपने करेक्शन भी किए. उसका बाद जी डी बिरला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसका बाद माता रामेश्वरी नेहरू एंड सो ऑन. एंड वी वर कनेक्टेड विथ यादव जी एंड देन दीदी निर्मला देशपांडे. दीदी निर्मला देशपांडे के 25 साल प्रेसिडेंट थे इस संस्था का. ड्यूरिंग दैट टाइम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में परिजन सेवक संघ का परिचय हुआ, काम हुआ. और सारे स्टेट में दिस इज वन ऑफ द लीडिंग एंड लाइवली ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थ्रू आउट द कंट्री. इवन इन द रिमोट विलेजेस मोस्ट ऑफ आवर वर्कर्स आर रिसाइडिंग इन द रिमोट विलेजेस. इसका साथ साथ हमारा गांव में और हर स्टेट में हरिजन सेवक स्टेट के माध्यम से स्कूल हॉस्टल और सारे काम चल रहा है. इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी का सोच था उद्योगशाला यहाँ एवं चेन्नई में भी. कस्तूरबा स्कूल धर्मोत्तम यहाँ पर है, एक म्यूजियम है जहाँ गांधी जी एवं बापू जहाँ रुकते. ड्यूरिंग दैट पीरियड जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपालानी एंड सो मौलाना अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फर खान ऑल यूज टू कम हियर एंड स्टे विथ गांधी जी, डिस्कस विथ गांधी जी. वो हमारे प्रार्थना मंदिर में उस टाइम में मीटिंग होते. और कस्तूरबा कुटीर जो है उसको हम लोग इंडिया के पहले कस्तूरबा का नाम में एक म्यूजियम है. दिस इज इन इंडिया में फर्स्ट म्यूजियम है ऑल ओवर वर्ल्ड लाइक वी कैन से. ये एक म्यूजियम है, हॉस्टल है, स्कूल है, सारे काम चल रहा है. और देश भर में टॉयलेट स्वच्छता का काम हमारे ईश्वर भाई पटेल, जयेश पटेल और हर एक जगह में हमारा स्वच्छता काम भी चल रहा है. इसका साथ साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट दिशा में भी हमारे हर प्रांतों में काम. मैं महामहिम उपराष्ट्रपति के निवेदन है, ये संस्था एक महान आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन. इस आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन एंड हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन के आज सरकार के कोई अनुदान हमारे पास नहीं है. नॉट ए सिंगल फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. हमारा अपने साथी लोग का डोनेशन और उसका स्पॉन्सरशिप से ज्यादा से ज्यादा. लेकिन अभी भी हमारा एक काम सारा देश भर चल रहा है, इसमें बहुत सारा साथी हमारा सहयोग कर रहा है. अभी अभी हम लोग सिद्धांत किया 90 साल में जे देश के जाने माने यूनिवर्सिटी का साथ मुंह करके सारे देश में हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को गांधीयन फिलोसॉफी, गांधीयन एक्टिविटीज के साथ उसका जुड़ दें. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, कानपुर यूनिवर्सिटी, सोवियत यूनिवर्सिटी
and so many universities are willing to work with us, in collaboration with us. Their students will come here, they will stay here 15 days, 1 month, 2 months. They will work with Gandhian ambience, और उसका साथ साथ इसको एक परिमाण होना चाहिए. इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है जो आप इस संस्था के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा है. मैं आपको और सारे साथी जो हमारे पर यहाँ आए सबको मैं अपने अंतर से धन्यवाद और शुभेच्छा और प्रणाम. नमस्कार. बहुत बहुत आभार दादा. हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस हरिजन सेवक संघ की प्रांगण में जिनका नाम दादा ने लिया था और हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हम सबके बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद और प्रेरणा हम सबको मिलेगी, ऐसा निवेदन है. मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ महामहिम जी का और जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करते हैं. सबको नमस्कार. हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार संजाल जी, प्रेसिडेंट परमर्थ निकेतन ऋषिकेश, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, फाउंडर ऑफ सुलभ सैनिटेशन, श्री लक्ष्मी दास, फॉर्मर चेयरमैन KVIC एंड वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ, श्री नरेश यादव, वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ, श्री कुंवर शेखर विजेंद्र, चांसलर सोबित यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन एसोसिएशन नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन, उपस्थित महानुभाव. महात्मा गांधी जी एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे. गांधी जी की सोच ने दुनिया को प्रभावित किया है. आज तक कोई भी गांधी जी की विचारधारा के विपरीत बोल नहीं सका है. गांधी जी का सोच, विचार और चिंतन विश्व के लिए था. हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत हजारों साल से रहा है, वासुदेव कुटुंबक महात्मा जी का ये विचार था. महात्मा जी ने हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का बरसक प्रयास किया. गांधी जी ने जो दो सिद्धांत दिए उनकी पालना यदि करते हैं तो मानवता सुखी रहेगी, जन कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, अहिंसा और सत्य. कितना आसान है उनका पालन करना और नतीजे कितने सकारात्मक हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. आज के दिन हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में जहां भी संकट है, संकट युद्ध का हो, भूखमरी का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, उन सब का उपाय सार्थक रूप से महात्मा जी के विचारों में मिलता है. गांधी जी ने जो बेड़ा उठाया
और गांधी जी का जो सोच था कि मानवता और समाज में स्थायित्व है और बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक समानता का व्यवहार सभी का अधिकार हो, जब तक अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको फायदा नहीं मिले। गांधी जी ने कहा था, आई वुड लाइक टू कोट, इट हैज बीन अ पैशन ऑफ माय लाइफ, आई पोज हियर। गांधी जी ने कहा ये मेरा पैशन ऑफ लाइफ है, मिशन ऑफ लाइफ है, मेरा डिवोशन है। और क्या, इट हैज बीन अ पैशन ऑफ माय लाइफ टू सर्व द अनटचेबल्स। और क्यों, बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट आई कुड नॉट रिमेन अ हिंदू इफ इट वॉज ट्रू दैट अनटचेबिलिटी वॉज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आई अनकोट। गांधी जी का सपना साकार हुआ है, संविधान के निर्माताओं ने पूरा ध्यान दिया। इफ वी लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उन सब में हमें एक तार दिखाई देगा और वो तार वो है गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी की विचारधारा। हर संस्कृति को गांधी जी ने वो मूल्य दिए हैं जिनसे हमारा जीवन सुलभ रहेगा, अच्छा रहेगा। उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को ऊपर लाना जो साधारण व्यवस्था से वंचित हैं, यही तो स्वराज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से जो मैंने दृश्य देखा, साक्षात रूप से गांधी जी सत्य के विराजमान थे। किन किन लोगों ने, किन किन संस्थाओं ने हैंड होल्डिंग की कोविड के दौरान, लोगों के घर भोजन पहुंचाया, उनकी मदद की, जीवन का खेल खेल कर भी उन्होंने स्वास्थ्य देने की कोशिश की। ये भारतीय संस्कृति का नेक्टार है, ये भारतीय संस्कृति का आधार है, मूल मंत्र है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं है वो भी दूसरे की पीड़ा समझते हुए कोविड के दौरान मदद की है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और हमारी शासन व्यवस्था देखिए, कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। ये दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर है। इतनी बड़ी महामारी के दौरान यह विचार लाना कि 136 करोड़ को 2 वैक्सीन लगेंगे, दिल दहल जाता है। ये कर दिखाया, गांधी जी की आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अंदाजा लगाइए, 18 करोड़ परिवारों में मुफ्त गैस का जाना, उनके आंसू धुएं से जो आंसू निकलते थे उनको पहुंचना, ये काम संभव हुआ है। ये गांधी जी की विचारधारा है। 25 करोड़ लोगों को जो बैंक की तरफ अपना मुंह नहीं कर सकते थे, बैंक के अंदर जाते हुए घबराते थे, उनके द्वार पर आकर उनको जोड़ा। आज हालात क्या है, जो तबका नीचे का था वो आज अनेक अनेक फील्ड्स में टॉप पर है, सर्वश्री है। भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद उनको मिला है, ये उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं। ये गांधी जी की सोच को जमीन पर उतारने का काम जो हो रहा है वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण, और जो भाषण संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था, अंतिम भाषण की एक
अहमियत ही अलग होती है। जिस वर्ग से वो आते थे उसका भी महत्व है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, आई कोट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी अनकोट। कितनी बड़ी बात कही है, सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। अब ये जमीन पर उतर रही है। मैं देखता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को उठाने का जो काम है वो पिरामिड का नहीं है, प्लेटो की तरह है। हर वर्ग को मौका दिया जा रहा है, हर वर्ग का काम उस तरीके से हो रहा है कि भारत प्रगति के रास्ते पर हो। भारत की जर्नी बिना बात आगे नहीं बढ़ी है। आज हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये सौभाग्य हमें पिछले कुछ दिन में मिला है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर योगदान किसका है, किसान का, मजदूर का, उन व्यक्तियों का जिनको पहले समाज के अंतिम छोर पर माना जाता था, उनका योगदान सबसे ज्यादा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इस दशक के अंत तक वी शैल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज के दिन दुनिया में भारत की और भारतीय की पहचान अलग है। आज के दिन एक सपना है, श्रेष्ठ भारत, और उस सपने का एक आधार है, वी वर दी बेस्ट। हजारों साल पहले जाएंगे, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर कल्चर, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड। हम उस ओर अग्रसर हैं। और ये एक ही कारण है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसका डिवीजन हो रहा था पहले कि कौन किस वर्ग से आता है, वो पूरी तरह से मिट गया है। आगे अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आई कोट, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मनी, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स, इट वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टेबल टू एनफोर्स देम, अनकोट। आज के दिन छोटी छोटी बातों में भी, चाहे कार के ऊपर रेड लाइट हो, हर चीज के अंदर सबको बराबर रख दिया गया है। और इससे बड़ा गांधी जी के प्रति कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता। गांधी जी का जो सोच था वो सोच आज के दिन जमीनी हकीकत है, और जो सरकार के द्वारा कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गांधीयन थॉट है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज नेशनल, दिस इज राइजिंग अबाउट ऑल पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कभी भी दूसरे विचार को झटके में मना नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज ओपन टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। आज के दिन कुछ वर्ग में एक संस्कृति आ गई है कि मेरा विचार ही सही है, दूसरे के विचार को मैं सुनूं क्यों। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। कानून के सामने कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी उसकी हिस्ट्री हो, कितनी ताकत हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सब कानून के शिकंजे में है। कानून को अपना काम करना पड़ेगा। और यही भारत और भारतीयता को विश्व में एक नया नाम देगा। आज के दिन अंत में मैं ये कहूंगा,
we have developed an ecosystem, a very healthy ecosystem, an ecosystem that promotes every talent, exploits every potential. और इसलिए मैं कहता हूं, it is gratifying to note that in recent years there is emergence of ecosystem that affirmatively in consonance with Gandhian philosophy, ensuring full exploitation of potential and talent of all, particularly of the marginalized sections of the society. अंत में एक बात कहूंगा, शुद्ध भाव से कह रहा हूं, क्रिटिसिज्म नहीं है, इट शुड बी टेकन इन द स्पिरिट ऑफ पॉजिटिविटी इन विच आई एम सेइंग, दिस अ ह्यूज प्रीमिस, दिस शुड बी अ नर्व सेंटर, दिस शुड बी अ पॉजिटिव एपिसेंटर ऑफ डिसेमिनेटिंग गांधीन थॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड. Every inch of this place must be fully utilized and every day at this place must be eventful. Any footfall here will please the person. There can be no better theater than to cleanse the human body, to cleanse your conscience, to develop positive spirit, to inculcate habit of harmony and sublimity, then be at a place where Gandhiji spent his time, interacted with the stalwarts who shaped our destiny. I am sure there will be a blueprint in time to come, how best to take this place to the next level, for a higher level, so that Gandhian thought becomes all pervasive, all around. I am grateful to the organizers for making available this opportunity to me, and I go from this place fully energized, motivated, inspired, and I am sure all that I have said, the organizers will bear in mind. I am assuring to this audience, I will act as a foot soldier of this establishment, whatever it seeks to attain. Thank you so much. Namaskar. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता. मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी कहा करते थे कि चमत्कार होते हैं, और कल 3 दिन हम लगातार बारिश में थे, आज 100% बारिश की संभावना फोरकास्ट था. हम सब लोग ने निर्णय किया था कि कहीं और कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन बाद में निर्णय हुआ कार्यक्रम यही होगा. भींगेंगे, भागेंगे नहीं, और मजबूती से हम अपने 90 वर्ष को का उत्सव मनाएंगे. तो ये आज अध्यात्म का दिन है, चमत्कार का दिन है, और बापू हमारे साथ हैं, ऐसा भावना से इसका दिन है. बार बार मेरे गुरु मुझे याद आते हैं, और मैं आज महसूस कर रहा हूं कि ये बापू की प्रेरणा की जगह पे ये अध्यात्म की गहराई, इस भूमि का हर कण पवित्र है. तो इसके लिए मैं अंत में निवेदन करूंगा, आध्यात्मिक हमारे बीच में जो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, स्वामी चिदानंद महाराज जी से, स्वामी जी से निवेदन है कि आशीर्वचन और आभार व्यक्त करें, और सबके प्रति कृतज्ञता, और इस आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक पूंजी को दें. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम
मंच पर विराजमान इस भारत धरती के एक महान लाल परम आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हरिजन सेवक संघ को जिन्होंने बचपन से लेकर, जिसे बुढ़ापे की बात आती है कि वो इस आयु में भी 80-85 साल में खुद को बूढ़ा नहीं मानते, ऐसे हमारे दादा प्रोफेसर शंकर सान्याल जी, उन्हीं के दाईं ओर बैठे एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को उन आदर्शों के लिए समर्पित किया जिसे आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन बनाया, उस विचार को समर्पित पद्म विभूषण डॉक्टर श्री विंध्येश्वरी पाठक जी, उन्हीं के बगल में बैठे एक और योद्धा जिन्होंने पूरा जीवन गांधी के लिए बिताया, गांधी विचारों के लिए बिताया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मीदास जी, और एक दूसरे महान योद्धा हरिजन सेवक संघ के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री नरेश यादव जी, शोभित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी, मातृशक्ति आदरणीय जयेश जी, रमेश जी, ना जाने कितनी बहनें बैठी हैं, उन सबका नाम नहीं लेता हुआ बस उनको प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं तो उस हमेशा इस बात को देखता हूं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन मैं तो उस प्रदेश से आया हूं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। लेकिन आज ये बात मैंने इसलिए उठाई, आज मैं भारत की इस माटी को प्रणाम करता हूं, लेकिन आज इस माटी को भी प्रणाम करता हूं जिस माटी पर 90 वर्ष पूर्व एक ऐसे बीज की स्थापना की उस महापुरुष ने, और जिसका आज हम संस्मरण नहीं बल्कि स्मरण कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में, मैंने तो पूरे विश्व में देखा है। 42 साल पहले जब मैं अमेरिका गया, सबसे पहले मैंने मार्टिन लूथर किंग के उत्थान को जाकर देखा, जिसने अपने जीवन में महात्मा गांधी जी के विचारों को जिया और प्रभावित किया उस राष्ट्र को, जो राष्ट्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसे कैसे शांति के रास्ते पर लाया जाए। मैं उस अफ्रीका में गया, जिस अफ्रीका की धरती पर उस स्टेशन पर, जिन्हें उस प्लेटफॉर्म पर उस गाड़ी से उतार दिया गया था, इतने सारे संस्मरण है, लेकिन मैं आज उन सारे संस्मरणों को संक्षेप में प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि आज जो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को यहां पर हम लोगों ने आमंत्रित कर एक बहुत बड़ी सेवा की है, क्यों, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जीवन जमीनी स्तर पर जुड़ा रहा, जो जमीन पे रहा, जम के रहा, जमा रहा, जुटा रहा और जुटाता रहा, और उसको हमने देखा। पश्चिम बंगाल की उन घटनाओं को याद करिए तो जिस मानवता के दर्द को उन्होंने और उनकी दृढ़ता का दर्शन हम सब ने किया, आज सबके सामने है। फिर उसके बाद सच मानिए तो विचार, व्यवहार और संस्कार, अभी उन्होंने विचारों की बात की, सोच की बात की, संस्कारों की बात की, विचार व्यवहार और संस्कार एक किसान परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपने किसानों की भूमिका को याद किया, एक किसान परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक असाधारण व्यक्तित्व बनकर वे भारत की पृष्ठभूमि पर उभरे, उनकी जो पीड़ाएं थी,
उनकी जो सारी पीड़ा उस किसान परिवार की और उन सब परिवारों की, वो पीड़ा कैसे प्रेरणा बने, ये आपका जीवन है, ये आपका जीवन है। इसलिए मैंने देखा है ये कोई मजबूरी में नहीं है, ये मजबूती से डटे रहे। वो जो गांधी के चरित्र था सत्य और अहिंसा, उसका पालन करते हुए डटे रहे हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरह से आपने आज गांधीयन विचारों को रखा और यह भी संकेत किया, गांधीयन कल्चर इज नॉट टू डोमिनेट एनीवन, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी सुपर पावर बिकॉज वी वांट टू डोमिनेट पीपल। गांधीयन विचार किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं है, बल्कि बल्कि मोटिवेट करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है। ये सुपर पावर बनने के लिए नहीं, बल्कि जगत गुरु बनने की यात्रा है, जगत गुरु बनने की यात्रा है। सोच की बात आपने की, मुझे तो लगता है हर विश्वविद्यालयों की बात दादा ने कही, मुझे तो लगता है इस सोच को ही कोच बनाकर इसी की कोचिंग हर विश्वविद्यालय से शुरू हो, हर विश्वविद्यालय से शुरू हो। कुछ अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है। देखिए, अभी आपने वैक्सीन की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरे विश्व में मुझे भी उस समय यात्रा करने का उस काल में भी अवसर मिला जब वैक्सीन बांटी जा रही थी, कितनी मुश्किलें थी पूरे विश्व में, भारत ने उन देशों को भी वैक्सीन प्रदान की। लेकिन उससे भी ज्यादा वैक्सीन थोड़े पलों के लिए थी, और हिंदुस्तान ने उसका भी दर्शन पूरे विश्व को दिखाया, यस इंडिया कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन का काल ओवर हुआ। आज अगर कोई वैक्सीन चलेगी, वो ऋषियों की वैक्सीन, ये गांधीयन विचारों की वैक्सीन आज इस विश्व को जिंदा रखेगी, इस विश्व को हर बीमारी से, मानसिक बीमारी से भी दूर करेगी। हमें उस गांधीयन विचारों की वैक्सीन चाहिए, इसकी मजबूती से आप लोगों को इसका काम करना है। एक डिकेड, 90 साल हुए, 10 साल बाकी हैं जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे। उस 100वें वर्ष में मुझे लगता है कि आज आना चाहिए कि बहिरंग गांधीवाद से हम अंतरंग गांधीवाद की ओर मुड़ें, बहिरंग गांधीवाद से अंतरंग गांधीवाद की ओर मुड़ें। ये केवल कपड़ों पर नहीं, बल्कि कर्मों से होगा, वाणी से नहीं, विचारों से होगा, सबको साथ लेकर होगा। क्योंकि गांधी जी ने दिखाया, बात साधनों की नहीं है, बात साधना की है, बात भवनों की नहीं है। मैं जब आया था पिछली बार, माननीय राष्ट्रपति जी आए, उस भवन में गया जहां वो रहे, वहां पर वो भवन भी ठीक से नहीं था, याद है आपको। लेकिन बात उन्होंने दिखाया, जीवन भवनों से नहीं, भावनाओं से महान बनता है, जीवन साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है, जीवन उच्चारण से नहीं, बल्कि उच्च विचारों से, उच्च कर्मों से महान बनता है। इसलिए आज गांधी इज नेवर गॉन, गांधी इज ऑलवेज ऑन, एंड गांधी विल स्टे ऑलवेज ऑन, बिकॉज आपने शक्ति की और शांति की बात की। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इसलिए गांधी ने क्रांति से शुरुआत की, लेकिन शांति की ओर लेकर गए। क्रांति और शांति का संगम ही उनका जीवन है। सफाई से बात शुरुआत की, सफाई, सच्चाई और ऊंचाई की त्रिवेणी है गांधी का जीवन। बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन समय की मर्यादा को प्रणाम करते हुए आज पुनः एक ऐसे भारत माता के लाल जिन्होंने आज इस पद पर बैठकर जो विचार दिए हैं, उसे एक दिन पूरा विश्व सुनेगा। भारत माता की, गंगा मैया की। धन्यवाद। सब लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ ही समापन करेंगे। बच्चे राष्ट्रगान सावधान की मुद्रा में रहेंगे और राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा।
भारत माता की महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस समारोह की, जहां पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरअसल जन की सेवा ही हरि की सेवा है, और इस मौके पर बापू को याद करते हुए सभी को मिलकर सद्भावना के साथ आगे बढ़ने की उन्होंने अपील की। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी।